और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा है कि भारत तहमुल से रहे तो बेहतर है, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ना करे कभी जंग का समा हो इंडिया के साथ, लेकिन इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो हम इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ये स्टेप लेते हैं तो उनको पकड़ना कैसे है। भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ाने की बजाय मसले कश्मीर के हल पर तवज्जो दे, ये कहना है पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। एयर चीफ मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में उड़ी वाकये के बाद पैदा होने वाली कशीदगी पर मुकम्मल नजर है, भारत तहमुल से रहे तो ही बेहतर है, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। उड़ी का वाकया हुआ और उन्होंने हाइप क्रिएट किया तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने तमाम प्लान को रेडीनेस कर लिया था और उसका आपने भी उसका थोड़ा सा एक नमूना देखा था। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इंडिया एट ऑल, ये लोग अपने तहमुल से रहें तो बेहतर है। उनका कहना है कि कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करें, बाकी तमाम ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन असूलों के ऊपर बात करें। सो इसलिए फौज हमारी जो है तीनों मुसलाफवाज हैं वो फुली रेडी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पाक फजाइया के सरबराह ने कहा कि ज़र्ब-ए-अज़्म मुकम्मल जंग है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, दोस्त ममालिक की मुसलाहवाज से बाहमी ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं, मुल्क में तयारा साजी की सनत मजबूत हो रही है,